still drive me crazy. Hey. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो होपफुली आज का व्लॉग देख के अच्छे हो जाएंगे। अब बहुत समय हो गया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई है। एक्चुअली मैं वीडियो बनाती रही हूँ पर अपलोड नहीं की है। एक ही वीक हुआ होगा, लाइक 6 डेज हुए हैं कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया। और बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे हैं मैंने वीडियो क्यों अपलोड नहीं की है। एक्चुअली हिम्मत का स्कूल शुरू हो गया है और हम लोगों ने हिम्मत का ऑनलाइन स्कूल किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हूँ उसको भेजने के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। नॉर्मल फ्लू भी मुझे उसे ना हो और उससे क्लिनिक में नहीं जाना पड़े। और मुझे लगा कि इतनी कौन सी उसकी PhD चल रही है, घर में पढ़ लेगा, इट्स ओके एटलीस्ट जनवरी तक। सो वो पढ़ रहा है घर में, और उसके घर में ऑनलाइन स्कूल करने की वजह से मुझे वो लैपटॉप पे करता है। वैसे वो फ़ोन पे भी कर सकता है, पर मुझे लगता है कि फ़ोन पे ज़्यादा आईज पे प्रेशर पड़ता है, तो अच्छा है कि लैपटॉप कर ले। सो उसके लिए मैं लैपटॉप लेने वाली हूँ एक उसके इस काम के लिए, पर फिलहाल वो मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। मेरे पास वीडियोज़ बहुत सारी हैं जिनको मुझे एडिट करना है, और आज मैं कोई व्लॉग अपलोड भी करने वाली थी जो ऑलमोस्ट एडिट कर लिया है मैंने, पर थोड़ा उस पर और समय लगेगा। पर फिर मैंने सोचा कि लेटेस्ट वाली वीडियो अपलोड कर देती हूँ जो मैंने कल ही बनाई थी, कि मेरा डिनर रूटीन, कि क्या क्या हमने डिनर में खाया और मैंने क्या क्या कुक किया। सो मुझे लगा कि पहले वो वाला अपलोड कर देती हूँ, तो आज मैं वही अपलोड करने वाली हूँ। पर फिर मुझे लगा कि सिर्फ खाने की वीडियो ही नहीं, मुझे आपसे बात भी करनी है, क्योंकि कितने दिन हो गए कि बात नहीं की, और मुझे अब अजीब लग रहा है वीडियो बनाना। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब मेरे बाल बहुत अच्छे थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। जब मेरे बाल ऑयली हो चुके हैं तब आ गया मैं वीडियो बनाने के लिए ऑयली बालों के साथ। हिम्मत का ऑनलाइन स्कूल ऐसे लगता है कि सारा दिन घर ही स्कूल बन गया है। कभी उसकी ब्रेक हो जाती है, कभी उसको कुछ खाना है, कभी वो वॉशरूम जाता है, कभी फिर बैठता है, फिर अगर कुछ उससे ऑनलाइन सबमिट कराना है, अगर कोई असाइनमेंट मिली है या कुछ, फिर वो मुझे बुलाता है, तो सारा दिन मेरा उसी के साथ चल रहा है। अभी उसकी टीचर उनको सिखा रही है कि कैसे कैसे चीज़ें वो खुद से करें, और बहुत सारी चीज़ें वो खुद से करना शुरू भी हो गया है। और या ऐसे बैक टू ट्रैक आ रही है लाइफ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फास्टिंग कर रही हूँ 16 आवर्स की, और बस 8 आवर्स की विंडो में मैं खाती हूँ। समटाइम मैं 15 घंटे करती हूँ या 14 घंटे, क्योंकि गर्ल्स की जो फास्टिंग होती है उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी गाइस के मुकाबले डिफरेंट होती है, तो उनको इतना फास्टिंग करना नहीं चाहिए। पर फिर भी मेरी कोशिश होती है, क्योंकि जितना मैं फास्ट करती हूँ उतना मुझे अच्छा फील होता है। लाइक जिस दिन मैं फास्ट करती हूँ और उसी विंडो में कम खाती हूँ, लेस कार्ब्स, तो अच्छा दिन जाता है मेरा। मेरे आर्य की लाइफ स्टोरी के बारे में episode 2 मुझे शूट करना है, उसमें मैं एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की बात करूँगी, कि जब आपको कोई क्रोनिक पेन होती है तो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन कैसे भागे भागे आते हैं और उससे डील कैसे करना है। और देन हम बात करेंगे कि डाइट के बारे में। तीसरा है गेम प्ले कर रहे हैं, और टीचर उनको बताती है कि कौन सी चीज़ लेके आनी है, कोई फैब्रिक, कोई फ्रूट, कोई कलर, कोई नंबर। सो देखिए तेरा माइक ऑन है। Please put yourself on mute. Good job. All of your friends are waiting to share, but we need to wait until everyone's on mute, please. Because it's not fun when everyone's just shouting. Can I have you, Roger? I found a fabric shirt. Fiona and Hibbett also muted themselves after they shared. Good job. ऑल राइट, मुझे लगता है कि मैं पहली बार मेरा व्लॉग वॉइस ओवर किस्म का बना रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं दोबारा ऐसे बनाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे खुद कैमरे में आके बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। पर यस, हम लोग हमारे डिनर की शुरुआत करेंगे दाल को तड़का लगाने से। आज मैंने जो दाल बनाई है वो है साबुत मसूर की दाल। यस, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पति को अच्छी नहीं लगती है पर वो खा लेते हैं, पर मुझे ये दाल राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। सो तड़का लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है ऑलिव ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल ही हम यूज़ करते हैं हमारी कुकिंग में, या कई चीज़ें मुझे सरसों के ऑयल में अच्छी लगती हैं।
सो मैंने उसमें डाला है जीरा, गार्लिक, एंड देन मैंने ऐड किया है अनियन. जब अनियन अच्छी तरह कुक हो जाएगा तो मैं डालूंगी सॉल्ट, पेपर एंड लाल मिर्ची, हल्दी एंड जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर. अब मेरे मसालों के लिए मैं सिर्फ जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर ही यूज़ करती हूँ, कोई गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ. बहुत ही बेसिक सी चीज़ें ही यूज़ करके मैं मेरी दाल को तड़का लगाऊंगी. जब ये कुक हो गया है तो मैंने इसमें टमाटर, अदरक एंड हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है. अब इसको कुक करेंगे. वंस ये अच्छी तरह कुक हो चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है, तो मैं इसमें मैं थोड़ी सी दाल ऐड करके इसको मिक्स कर दूंगी. वंस ये मसाला दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तड़के को प्रेशर कुकर में. सो सारी दाल इसमें मिक्स कर दी जाएगी. और दाल के साथ मेरी कोशिश होती है कि कोई ड्राई सब्जी भी बना लूँ. हमेशा नहीं होता है, समटाइम सिर्फ दाल ही होती है, पर आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी की सब्जी. आलू मेथी की भुर्जी बोलते हैं हम लोग. मुझे आलू मेथी की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसे मैं कुक करती हूँ सरसों के ऑयल में. सो सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, उनको मैं छील लूँगी, छील के इसको धो लूँगी एंड देन मैं इसको काट लूँगी. अनियन को भी छील रही हूँ मैं, एक ही अनियन डालूँगी. और सब्जी में मेरी कोशिश होती है कि मैं चॉप्ड या यू नो चॉप्ड अनियन यूज़ करूँ, ग्राइंड नहीं करूँ, प्रोसेस नहीं करूँ फूड प्रोसेसर में, क्योंकि इसमें चंक्स ही अच्छे लगते हैं. सो मैंने पोटैटोज को भी अच्छे पीसेस में काट लिया है. और देन मेथी देखें आप, एक्चुअली मैंने वो व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किया है क्योंकि जिस दिन मैं ग्रॉसरी करके आई थी तो मैंने थोड़ा शूट किया था कि कैसे मैं मेरी ग्रॉसरी को अरेंज करती हूँ. सो उसी दिन मैंने मेथी के पत्तों को अलग अलग कर लिया था, फिर वो ज़्यादा देर तक अच्छे रहते हैं. अब मैं इसको बारीक काट लूँगी और मेरा काम भी कम हो गया. अदरवाइज़ मेथी के पत्तों को चुनना बहुत ज़्यादा समय लगता है. सो या ऐसे मेरा समय सेव हो गया या सो. अब इसको मैंने बारीक काट लिया है. अब मैं अनियन काट लूँगी, टमाटर काट लूँगी एंड ग्रीन चिली काट लूँगी तड़के के लिए. देन हम इसको तड़का लगा देंगे. तो तड़के के लिए सरसों का तेल ऐड करने वाली हूँ मैं. आलू मेथी मुझे सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है. सबसे पहले अनियन ऐड किया जाएगा, अनियन को कुक करेंगे. इस सब्जी में आपको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जियों में अनियन थोड़ा कच्चा चलता है. वंस ये कुक हो जाएगा तो मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, पेपर, सेम चीज़ें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल चिली और हल्दी मिक्स करके टमाटर ऐड करेंगे. टमाटर को भी मैं ज़्यादा कुक नहीं करूँगी क्योंकि मेथी में टमाटर के चंक्स दिखते ही अच्छे लगते हैं. सो वंस वो मिक्स हो गया तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी आलू एंड मेथी. अब इसको हम थोड़ी देर ढक के कुक करेंगे. वंस आलू नरम हो जाएंगे तो मैं इसको ओपन में कुक करूँगी ताकि इसका रंग थोड़ा मज़ेदार सा हो जाए, क्योंकि मुझे होता है कि मेरी सब्जियों का रंग बहुत अच्छा दिखे. अगर वो आँखों को अच्छी दिखती है तो खाने में मज़ा आता है. बहुत कच्ची सी नहीं दिखनी चाहिए. और आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर आप वंडर कर रहे हैं कि मेरे हैंड पे क्या हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, मेरा हैंड बर्न हो गया था. आई थिंक 2-3 महीने हो चुके हैं, हैंड मेरा बिल्कुल रिकवर हो चुका है और मार्क भी धीरे धीरे हो रहा है. और मार्क पे मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई एंड ए का ऑयल. एंड यस, वो चला जाएगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरे हाथ में क्या है. सो या अब मैंने सब्जी रख दी है. अब बारी आती है सैलड की. सैलड मेरी मील का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो सैलड होना ही चाहिए क्योंकि बिना सैलड के मुझे मज़ा नहीं आता है. सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम रोमेन लेटस से. उसके बाद मैंने कैबेज को अच्छी तरह स्लाइस कर लिया क्योंकि कैबेज भी मुझे सैलड में बहुत अच्छी लगती है, ऑप्शनल अगर आप ऐड करना चाहें तो. सो कैबेज को करने के बाद हम करेंगे टमाटर. मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीप टमेटोज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे मीठे रसीले हैं तो मज़ेदार लगते हैं. सो टमाटर के बाद मैं खीरा ऐड कर रही हूँ. ये खीरा दिखने में बहुत फ़नी सा दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये घर का खीरा है. ये हिम्मत की फ्रेंड है जो भूमि, उसकी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए. उन्होंने अपने बैकयार्ड में खीरे लगा के रखे थे तो मैं खीरा वो यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही डिलिशियस था और घर की उगी हुई सब्जियों का स्वाद ही अच्छा होता है यार. सो मैंने ये खीरे को स्लाइस कर लिया क्योंकि मुझे मेरा जो खीरा है पेपर जैसा पतला बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इस सैलड में. किसी में मुझे चंक अच्छे लगते हैं, किसी में कैसे, पर इसमें मैं
पूरा उसको स्लाइस कर लेती हूँ पतला पतला। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लाइम, लेमन नहीं लाइम, क्योंकि लाइम का फ्लेवर मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। देन मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, पेपर एंड थोड़ा सा टाइनी बिट सा मैं ऑलिव ऑयल भी ऐड करूँगी इस सैलड में, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये रेडी है खाने के लिए। और मेरी कोशिश होती है कि मेरे मील में सब्जी ज़्यादा, सब्जी एंड सैलड ज़्यादा हो और रोटी मैं एक ही खाऊँ। सब बारी आती है रोटी बनाने की, और हमारी कोशिश होती है कि हम हमारा डिनर 6 बजे तक कर ले, 6:30 तक, क्योंकि मैं फास्टिंग करती हूँ 16 घंटे तक, कोशिश करती हूँ 16, कभी 14 होते हैं, कभी 14 नहीं होते, वैसे 15-16 में ही करती हूँ मैं। सो अगर मैं 6:30 खाना खा लूँ तो अगले दिन मैं 10:30 फिर से कुछ खा सकती हूँ। सो हम 6:30 के बाद कुछ नहीं खाते अगर ये कुछ दिनों से हमने ये फॉलो करना शुरू किया है, स्पेशली मैंने। अब मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी सेकने के बाद इस पर मैं लगाऊंगी घर का बनाया हुआ देसी घी। बहुत प्राउड हूँ मैं इस देसी घी से। वैसे ये मुझे, मेरा लगता है 3रा टाइम है कि मैंने घर में देसी घी बनाया है। सो इसको लगाएंगे एंड सर्व करेंगे हमारा फूड। मैंने मेथी की सब्जी को प्लेट में रख लिया है, रोटी तैयार है, दाल डाल ली है मैंने, और थोड़े से राइस भी दिए जाएंगे हस्बैंड को, और उसके बाद मैं सैलड दूंगी बड़ी प्लेट भर के ताकि वो पूरा फिनिश कर दें। और देसी घी मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है तो मैं दाल में छुपा रही हूँ कि उनको पता नहीं चले। अब उनको खिला रही हूँ मैं, और वो कह रहे थे कि मेरी हर बार वीडियो मत बनाया करो, पर मैंने कहा कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि खाना आप खा रहे हैं, लाइक यू नो किसी का चेहरा तो दिखना चाहिए, पता नहीं मैंने अपना क्यों नहीं दिखाया। सो या इसी तरह हमारा डिनर का मील हो गया पूरा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके प्यारे दोस्तों, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने मेरा व्लॉग पसंद किया होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, क्योंकि आपको मेरी फूड वाली वीडियोस अच्छी लगती हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक किस्म का खाना था जो मोस्टली हम लोग खाते हैं। 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरे सारे वीक के डिनर्स, लाइक 7 डेज़ के डिनर की, हमने डिनर में क्या क्या खाया, क्योंकि मैंने पास्ट में भी ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। सो मैंने सोचा वो मैं शूट करती हूँ, पर उसके बाद मैंने मेरी डाइट को चेंज कर लिया, क्योंकि मैं अपनी डाइट को चेंज करती रहती हूँ, कभी मैं कुछ ट्राई करती हूँ, कभी कुछ, कभी ग्लूटेन फ्री जाके, कभी डेयरी फ्री जाके। सो आजकल मैं डिफरेंट डाइट खा रही हूँ, वो वाली नहीं खा रही हूँ, और इस डाइट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अलग से वीडियो में। सो वो जो मेरे मील्स हैं अब आजकल मैच नहीं कर रहे मेरी प्रेजेंट डाइट के साथ, फिर मैंने सोचा यार क्यों अपलोड करना, क्योंकि आजकल तो मैं वो चीज़ें खा भी नहीं रही हूँ। बट देन मुझे लगा कि यार अभी शूट किया है तो कर लेते हैं। सो वो भी मुझे लगता है कि मैं एडिट करके कल या परसों में अपलोड कर दूँगी, आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। पर मेरी डाइट आजकल डिफरेंट है, वो पुरानी वीडियो है। सो या ये था ज्ञान, आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। आपका लाइक करना एंड कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं या नहीं। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, easy peasy lemon squeezy, bye lalu